हत्याकारी को हत्या। हनीमुनरु फेरुथबा रूपिन कातियल को कांधार विमानबंदर रे हत्या करथिबा जहूर इब्राहिम को कराची रे हत्या कले संदिग्ध। मृत जहूर पुराणा रेकर्ड विषय रे किछि कहु नाही पाकिस्तानी मीडिया। ये हेउछि रूपिन कातियल, से हनीमुन पई ताको नवविवाहिता स्त्री सह काठमांडू जाइथिले ओ विमान रे फेरुथिले, किंतु ताको भाग्य रे आउ किछि लेखा जाइथिला। घटनाटी 1999 मसीहार इंडियन एयरलाइंस रो आईसी 814 विमान काठमांडू रो त्रिभुवन विमानबंदर रु भारत अभिमुखे यात्रा करथला। सेतेबेले किछि आतंकवादी बंदूक मुनरे विमान टिकु अपहरण करी कांधार को नेई जाइथिले। तीनि जण पाकिस्तानी आतंकवादी को भारतीय जेल रु मुकुलाइबा पई एही विमान अपहरण करा जाइथिला। सेदिन थिला 1999 मसीहा डिसेंबर मास 25 तारीख। सेही दिन रूपिन को नवविवाहिता पत्नी सामनारे हत्या करा जाइथिला। जहूर मिस्त्री नामक जड़े आतंकवादी रूपिन को छुरी रे आक्रमण करी हत्या करथिला। पाकिस्तान रो कराची शहर रे गत किछि दिन तले जहूर को हत्या करा जाइछि। मोटरसाइकिल रे आसीथिबा किछि अज्ञात आक्रमणकारी माने ताकु गुली करी सेठारु फेरार होइ जाइछन्ती। कांदाहार अपहरण परे जहूर मिस्त्री निजर परिचय बदलाई कराची शहर रे रहुथिला। से जाहिद अखुन नामरे रहुथिला ओ सेठारे एक फर्नीचर शोरूम चलाउथिला। पाकिस्तानी मीडिया एही खबर को प्रमुखता सह प्रसारित करिनाही। पाकिस्तानी मीडिया केवल एतिकी कहिछि जे जणे व्यवसायी को गुली करी हत्या करा जाइछि, हेले मरिथिबा व्यक्ति जणे आतंकवादी बोली पाकिस्तानी मीडिया उल्लेख करिनाही। तेबे विमान अपहरण ओ रूपिन को हत्या परे भारत रे वातावरण खूब गरम होइ जाइथिला। एही विमान अपहरण मामलार प्रत्यक्षदर्शी तथा एही विमान रो कैप्टेन डी शरण कहिथिले जे विमान रे ईंधन भर्ती करिबारे डेरी हेबा कारणरु आतंकवादी माने रूपिन को उपरे आक्रमण करथिले। एही घटना रे आतंकवादी को आक्रमण रे सतनाम सिंह नामक आउ जने व्यक्ति मध्ये आहत होइथिले, मात्र तांकु रक्षा करा जाय पारथिला। हेले रूपिन सबुदिन पई आखि बुझी देथिले। एही मामला रे दिल्ली रे एक एफआईआर रुजु होइथिला। एही अपहरणकारी मानक मध्ये रे दुई जना एबे मध्ये जीवित अछन्ती बोली कुहा जाउछि। वंदना राय को इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।